मेन पोंग बांध आज देखिए जी क्या है, जो पानी था नीचे से वो भी बंद है, ऊपर से तो छोड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल सुखा दिया इन्होंने, ये इसलिए सुखाया क्योंकि आगे के इलाकों में तो बरसात हुई है और पीछे भी हो रही होगी, पानी ज़्यादा ना हो शायद इसके लिए इसको खाली किया गया होगा, कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल ही नल पड़ा हुआ है और बिल्कुल सूखा हुआ है डैम यहाँ से। लेकिन पानी सूखने के बाद भी पानी इतना है आगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बरसात साथ साथ में होगी और साथ में यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो कितना नुकसान है जो होने वाला है। फाइनली गाइस अलार्म बज चुका है जी वार्निंग, और एक डाला है ना तीन नंबर चकदा, जूम करके दिखा तीन नंबर डाला चकदे में लगता है, पिछले कल तो है नहीं, नहीं नहीं आया होना था ही चक्के में। नहीं भाई अगे आ जा, इतने आ जा, जी खतरे का घुघू बज गया छड्या होगा। ना बड़े खुले है, अठ दस गेट खुले है, हाँ एक दो तीन चार पांच छे सात अठ, अठ नौ गेट खुले है, नौ दस पानी है ही बड़ा, पानी अठ बजे छड़िया और एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को बचा लिया। अभी गाँव बेला ही दौरा, देखिए जी पानी कितना है यहाँ पे, सभी और घूम चुका है पानी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी जगह सूखी बची है, सभी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में जा जो है। ये रेस्क्यू टीम पहले यहाँ पे लेने के लिए आए थे और ले जा रहे हैं। ये दो बंदे बीच में ही है, अभी इनको निकाला जाएगा। पशु हैं दोस्तों, इनका रेस्क्यू हुआ है अभी, वो बीच में थे फंसे हुए, उनको निकाला है इस बोट से। ये हमारे पप्पू भाई जी,
लकड़ा लकड़ी फट गई सेफली पहुंच चुके हैं जी। आगे से देखते हैं अभी। जी है जी लोकल रेस्क्यू करने वाले। ये देखो गाइस, ये आदमी मोटरसाइकिल की तुक्कियां काटता हुआ। ये टूटी गेले रात गधों में पानी है। जो गधों गध हैं जो इनको खाद लग चुकी है, काफ़ी नुकसान आगे भी होने वाला है क्योंकि पानी को भी तीन चार दिन जो लगने वाले हैं काफ़ी कम होने को उससे भी ज़्यादा समय है जो लगने वाला है। जय भारत। कई अर्नी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए इतने टाप बहुत ऊंची लगती ही पहले है ना, जो आज सब गया नदी में है। नदी में है कम से कम इस लेवल तो 15 फुट हाइट ही पूरे हम साफ हो गया। 100 फुट चौड़ी तो 100 फुट इस फेदे का प्लाट ही थे हो गया डैमेज पूरा ही। आयना दे इन्वर्टर मोटर सब वो देखो बंदे की इन्वर्टर खराब हो गए यूनिवर्सिटी वाले। ओए होए अर्नी यूनिवर्सिटी के पास काफी नुकसान हुआ है। हैं ये है ये गड्डी है ना, ये है कितने ही खड़ी है लेना एडमिशन अर्नी यूनिवर्सिटी। नहीं आपकी क्या राय अर्नी यूनिवर्सिटी के बारे में, सही जगह पे बनी थी ठीक है बनाई गलत जगह पे थी ये टाटा टाटा रोड क्या आया है हाल तो देखो था लगता हाँ तो खुद भी आप खड़ा कितने अच्छे गए हैं बड़ा बड़ा घटी गया पानी देख टक कु बजे इतना पानी टक देख बाबे मंदिर च पानी है पूरा पानी हाँ ये जी भाई उपर है ना वो जरा मतलब सिंक तो उपरली पानी है वाश स्टेशन उपर इतो पौड़ी इतो ना वाश स्टेशन के उत्ते ला दो बूटे इतो ही जाना रहा सीधी सड़क हूँ दस गड्डी किता करनी इतो ट्रैक नहीं खड़ा निकलना गड्डी निकल इधर देख तो यहाँ से पहले रास्ता था यहाँ के लिए भाई इधर देख रहे तो यहाँ पर पानी के लेवल सबसे बाद में डाउन होंगे। सबसे बाद में यहाँ से आप देख पा रहे हैं सूख चुका है और ये चीज़ वो ये बो वाला एरिया है जो सीधा ब्यास से पानी आता है उस साइड से
यहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि ये इस जगह का जो गहराई ज़्यादा है। तो अभी कुछ ही समय में ये रास्ता खुल जाएगा ठाकुर द्वारा के लिए। लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, आसपास के लोग हैं ये। और ये रास्ता बंद हुआ था, आपको पता है, यहाँ पे किसी ने पुटाई की थी मिट्टी बनाने के खेत बनाने के लिए, इसकी वजह से ये रास्ता बंद हुआ था। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आसपास की लोकेशंस। ये राशन रूशन ला के आया है, पानी। इतने करना चाहिए, अपने टोचन पाई लेना चाहिए। तो ये राशन की सेवा आई है हमारे गांव में, सरियाने तो ना, सरियाना गांव से, पंजाब में से। ये जो प्रवासी लोग हमारे गांव में रहते हैं, इनका राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सरियाना गांव के साथी लेके आए हैं। इतना भूखा नहीं।